ऐसा नहीं छोड़ूंगा कि उस गांव में सड़क नहीं है या पानी नहीं आया या ऊर्जा के बिजली नहीं आई। अभी बता रहे थे ऊर्जा मंत्री जी, हम बताएंगे आपको कि कम से कम 2 साल में 24 घंटे कम से कम हमारी बिजली की संकट, बिजली का संकट जो वर्षों से है वो बिजली का संकट तो समाप्त हो जाए। हर प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके सारे काम करे, पर हाँ एक मेहनत आपको करनी है। 13 तारीख को चुनाव है, 13 तारीख को आपको पोलिंग बूथ तक जाके वोट डालने का काम तो आप ही को करना होगा। तो उसके लिए मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि आप सब मिलकर फुल वोटिंग कीजिए। एक एक वोटर को निकालने का काम भी आपको करना है, क्यों करना है वो हम सब ने आपको बताया। और गारंटी जो हम लोग लेने के लिए आपके आज सब बीच में आए हैं कि राजेंद्र जी जीतेंगे तो आपके सारे काम होंगे। अब अगर गलती से किसी और को एक भी वोट चला गया ना तो वो कोई काम का वोट नहीं है, उसको कुछ भी नहीं कर पाए। अभी आपको बताया कि सड़कें बनी है, कम से कम 65 करोड़ की सड़कें स्वीकृत हुई है। पुलिया मरम्मत के भी 650 करोड़ दिए गए हैं सिर्फ और सिर्फ देवरी उनियारा विधानसभा में। और आप सोचिए ये तो तब किया हमने जब हमारे यहाँ से विधायक नहीं था। अगर एक बार विधायक बन गए इसके बाद तो मुझे लगता है कि विकास की गंगा बहेगी, विकास की गंगा बहेगी। हमारे सभी युवा कार्यकर्ता तो बहुत ही उत्साहित हैं। हमारे सारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता इतने उत्साहित हैं, तो ये उत्साह ना अब एक एक घर तक पहुंचना चाहिए। पहुंचेगा, गारंटी लेते हो आप? हम तो गारंटी इनकी लेते हैं। अब आपको वोट कराने की गारंटी आपकी है आज से। अब आपको हमारी मातृशक्ति को, हमारे बड़े बुजुर्गों को, राजेंद्र जी को वोट देके फुल वोटिंग से, खूब अच्छी मेजोरिटी से, क्योंकि सब बोल रहे हैं राजस्थान में कि देवरी उनियारा को सबसे ज्यादा वोटों से जीतेगी, ये ऐसी चीज बन चुकी है। आज हमने देखा कांग्रेस के टॉप जिले के वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने आज भारतीय जनता पार्टी परिवार को परिवार में जुड़े हैं। मैं उनका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। धीरे धीरे मुझे लगता है कांग्रेस धीरे धीरे खत्म ही होने लग गई है आपस की लड़ाई की वजह से, और सारे समझ गए हैं कि अगर इस देश में सचमुच कोई विकास करना चाहता है, देश को आगे बढ़ाना चाहता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी है और सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। तो सब लोग आप देखिएगा धीरे धीरे सब भारतीय जनता पार्टी में ही आ गए, लेकिन आज आपको एक बहुत सुनहरा मौका मिला। सुनहरा मौका कहूंगी कि एक बार फिर अपना नेता और विधायक चुनने का मौका मिला है। इस मौके को ना गंवाए, फुल वोटिंग कीजिए। महिलाओं को दोबारा कहूंगी कि आप सबको घर से बाहर निकलना है, खाना बनाना काम करना तो रोज होता है, लेकिन वोट करने का समय तो 5 साल में एक बार ही आता है। तो इस समय हम सबको मन बना के एक एक व्यक्ति को, एक एक महिला को घर से बाहर निकलना है। काम होते रहेंगे लेकिन वोट बार बार नहीं डलेगा। तो सब जाके वोट जरूर कीजिए, राजेंद्र गुर्जर जी को अपना विधायक चुने, अपना जनसेवक चुने, उसके बाद तो सारी जिम्मेदारी इनकी है और फिर ये जो काम हमारे पास लेके आएंगे हम निश्चित रूप से सारे काम करेंगे। एक बार फिर मैं आप सबका आभार व्यक्त करती हूँ, 3600 लोगों का भी आभार व्यक्त करती हूँ कि आज आपने